जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे 20th लेसन या 20th यूनिट जिसका नाम है हाउ टू टेक जॉब इंटरव्यू, अ जॉब इंटरव्यू जिसकी ऑथर का नाम है वहीदुल्ला। तो शॉर्ट समरी में बताता हूँ इस लेसन का कि जिस तरह आपको इसके टाइटल से पता लग जाता है हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू, कि एक जॉब देने से पहले किस तरह इंटरव्यू लिया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब चीज़ हम उनमें इस लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसकी शॉर्ट समरी बता देता हूँ। जिस तरह आपको पता है कि इंटरव्यू जो है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस। इट इनेबल्स द एम्प्लॉयर टू डिसाइड इफ़ द एप्लीकेंट इज़ फिट फॉर द जॉब और नॉट। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, सच इज़ बिहेवियर इंटरव्यूज, केस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यूज, फ़ोन एंड वीडियो इंटरव्यूज, इन ऑनलाइन इंटरव्यूज। ये बहुत सारे इसके टाइप्स हैं और इसमें यही बताया जाता है कि इंटरव्यू में जब कोई बंदा जाता है इंटरव्यू के लिए, तो जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं उसमें जो इंटरव्यूअर होता है उसकी जो कपड़े वगैरह होते हैं, उसका जो बॉडी लैंग्वेज होती हैं, उसकी जो आंसर्स होते हैं, किस तरह किस टोन में वो आंसर देता है, तो वो बोलने सारी चीज़ें वो जज कर देता है। उसी 5 मिनट्स में वो बंदा डिसाइड कर लेता है कि आया दिस पर्सन इज़ फिट फॉर द जॉब और नॉट। सो ये उसकी शॉर्ट समरी थी। तो जी चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरव्यू इज़ अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस। इंटरव्यू जो है ये भर्ती होने के अमल का अहम हिस्सा है। इट इनेबल्स द एम्प्लॉयर टू डिटरमिन इफ़ एन एप्लीकेंट स्किल्स। ये उस मुलाजमत देने वाले को इस काबिल बना देता है कि वो जो उम्मीदवार है उसकी जो महारतें हैं वो उसको जान सके, उसका तयन कर सके। एक्सपीरियंस एंड पर्सनालिटी मीट द जॉब्स रिक्वायरमेंट। क्या उसकी जो एक्सपीरियंस है यानी तजुर्बा है, या उसकी जो पर्सनालिटी है यानी जिसकी जो शख्सियत है, क्या उस जो वो जॉब यानी जो जॉब है उसके लिए वो ज़रूर मतलब फिट है, मौजू है ये बंदा कि मौजू नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यू। यानी मुलाजमत देने वाले जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की इंटरव्यू लेते हैं, सच इज़ बिहेवियरल इंटरव्यू, जैसे कि किरदार जांचने वाला इंटरव्यू। वो एक ऐसे इंटरव्यू होते हैं जिसमें सिर्फ बंदे की किरदार जाना जाता है कि बंदा किस किरदार का मालिक है। केस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, फ़ोन एंड वीडियो इंटरव्यूज़, इन ऑनलाइन इंटरव्यूज़ और बाकी भी सारे इंटरव्यू की किस्में हैं। इंटरव्यूअर्स यूज़ बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू। ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं जो भी इंटरव्यू की किस्में हैं वो आज अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो इंटरव्यूज़ यूज़ बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू टू नो अबाउट द पर्सनैलिटी, ट्रेट, बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट। इंटरव्यूअर्स जो होता है वो इस तरह बिहेवियर इंटरव्यू जो है वो लेता है ताकि वो जान सके जो वो एप्लीकेंट है उसकी पर्सनैलिटी जान सके, और उसकी बिहेवियर और उसका जो एटीट्यूड है वो सारा जान सके कि किस शख्सियत का मालिक है। द आइडिया इज़ दैट द पास्ट बिहेवियर प्रोडक्ट्स हाउ अ पर्सन विल एक्ट इन द न्यू जॉब। द आइडिया इज़ दैट द पास्ट बिहेवियर यानी जो उसका पहले उसमें भी सवाल भी की जाते हैं पास्ट जो उसका जॉब होता है इस हवाले से भी, तो जो पास्ट बिहेवियर होता है उसके हवाले से भी ये प्रेडिक्शन करते हैं कि हाउ अ पर्सन विल एक्ट इन द न्यू जॉब, कि ये बंदा जो है नई जॉब में जो उसको हम दिला रहे हैं उसमें जॉब इस जॉब में ये कैसा अमल करेगा। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इस किस्म की इंटरव्यू में अ पर्सन वॉन्ट गेट मैनी ईज यस और नो क्वेश्चंस। एक बंदा जो है वो ज़्यादातर ये यस नो क्वेश्चंस वसूल नहीं करता, क्योंकि इसमें इस तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं जिसको प्रॉपर आंसर देना पड़ता है। एंड इन मोस्ट केसेस और ज़्यादातर मौक़ों पर ही और शी नीड्स टू आंसर विद इन एंडिकोड अबाउट द प्रीवियस एक्सपीरियंस। और बहुत सारे इस तरह के सवालात की जवाब होते हैं जिसको मतलब वो शॉर्ट्स एनेक्डॉट यानी शॉर्ट स्टोरीज़ के बेस पे वो बताता है, जो उसकी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस होता है उसके बेस पे वो सारा आंसर देता है।
तो जो इंटरव्यूअर होता है वो जान जाता है कि किस किस्म का हैसियत का मालिक है. इंटरव्यूज़ इन विच द इंटरव्यूअर गिविंग द कैंडिडेट अ जॉब रिलेटेड सिनेरियो एंड आस्किंग टू मैनेज द सिचुएशन इज कॉल्ड अ केस इंटरव्यू. और एक ऐसी इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है यानी मुलाजमत देने वाला जो इंटरव्यू लेता है वो ऐसी सिचुएशन उसको मुहैया कर देता है, इस तरह सिचुएशन देता है कि जॉब रिलेटेड से कि वो इस तरह मंजरनामा पेश करता है और फिर उससे पूछता है ऐसे कि ऐसे हालात में तुम क्या करोगे, किस तरीके से इस केस को हैंडल करोगे. तो ऐसी किस्म इंटरव्यू को हम कहते हैं केस इंटरव्यू. दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ आर मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मैनेजमेंट कंसल्टिंग इन इन्वेस्टमेंट in executive positions and require the applicants to show off analytical ability and problem solving skills. This type of interviews, इस किस्म की जो इंटरव्यू होती हैं ये अमूमन यानी अक्सर used for management, ये जो मशावरत इंतज़ामी वाले लेते हैं विद इन्वेस्टमेंट जो कि या सरमायाकारी के लिए जब आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं जिस तरह जिसमें सरमायाकारी की जाती है तो उधर के लोग इस तरह की इंटरव्यू लेते हैं. एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशन या इस तरह के कानून नाफिज करने वाले जॉब्स वाले इस तरह इंटरव्यू लेते हैं एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट टू शो ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी. और फिर जो यानी उम्मीदवार होता है उसको अपनी सलाहियत या तजुर्बा जो उसके तजुर्बाती बेस पे वो अपनी सलाहियत दिखाता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और किस तरह से वो मसले को हल करता है वो अपनी सलाहियत दिखा देता है. इंटरव्यूज दैट रिक्वायर टू गिव एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू. ऐसी इंटरव्यू जो कि दैट रिक्वायर जिसको ज़रूरत होती है टू गिव एग्जांपल जिसमें आप मिसालें भी देती हैं स्पेसिफिक स्किल यानी ख़ास किस्म की महारत के आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू. तो उसको कहते हैं यानी सलाहियत और अहलियत के बिना पे इंटरव्यू और जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू या उसको हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू. इन सच इंटरव्यूज द इंटरव्यूअर्स विल आस्क क्वेश्चंस. इस किस्म की इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो सवालात पूछता है. दैट विल हेल्प देम डिटरमिन इफ अ पर्सन हैज़ द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक जॉब. जो इस किस्म की सवालात पूछता है तो वो जो इंटरव्यूअर होता है यानी इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला तो वो उसको मदद देता है कि वो उसका उस शख्स का यानी उम्मीदवार का वो जान सके क्या उसके पास उस किस्म का सलाहियत यानी स्किल और इलम है उसके पास या नहीं है. बिफ़ोर यू गो ऑन अ जॉब इंटरव्यू, आप अगर एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती हैं तो उससे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट एज मच एज़ यू कैन अबाउट नॉट ओनली द जॉब बट ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप किसी ख़ास इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये सबसे अहम बात होती है कि आप मालूम करें पहले उस जॉब के हवाले से भी और उसके बाद आपको उस इदारे के हवाले से कुछ मालूमात होनी चाहिए. गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन. यानी गेटिंग इंफॉर्मेशन यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से यानी इस इदारे के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करना इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो ये इंटरव्यू की जो तैयारी होती है ये इसकी सबसे अहम हिस्सा होता है. इट विल हेल्प यू प्रिपेयर टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस. ये आपकी मदद करता है. किस तरह मदद करता है, जो आप इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस आंसर तैयार करते हैं तो उसमें ये मदद देता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यानी उस इदारे के हवाले से. यू विल आल्सो बी एबल टू फाइंड आउट विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कल्चर आर गुड फिट फॉर यू और नॉट. तो ये आपके लिए भी अहम होता है क्योंकि ये आपको इस काबिल बना देता है जब आपको इदारे के हवाले से कुछ मालूमात हासिल हो जाती हैं तो फिर आप ये जानते हैं और आप फिर ये फैसला कर सकते हैं कि क्या ये इदारा जो है आपके लिए मौजू है, क्या आप उसमें काम कर सकते हैं या नहीं. इट टेक्स लेस देन अ सेकंड फॉर यू योर ब्रेन टू डिसाइड इफ़ यू लाइक और नॉट. ये एक सेकंड से भी कम वक्त लेता है आपके दिमाग मतलब आप दिमाग पे सोचते हैं एक सेकंड से कम भी कि आप फिर फैसला करते हैं कि क्या आप के लिए ये जॉब मौजू है या नहीं है. डेट अदर पर्सन यू आर मीटिंग, कि क्या तुम दूसरी जो शख्स है उससे मिल रहे हो. इट्स योर अपेरेंस, ये आपकी जो अपेरेंस होती है यानी आपकी जो मतलब जो आप जाते हैं जिस किस्म की क्लॉथ्स में जाते हैं. दिट्स यूजुअली द फर्स्ट रेफरेंस फॉर द पीपल. तो ये लोगों के लिए सबसे पहले चाल डाल को वो तरजीह देते हैं. नीडलेस टू से
बिल्कुल कहने के बराबर नहीं है, यानी कहने की ज़रूरत नहीं है. इन अ जॉब इंटरव्यू सिचुएशंस यू मस्ट बी अवेयर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू क्विकली मेक अ ब्रिलियंट फर्स्ट इम्प्रेशन. एक जॉब इंटरव्यू के लिए इस सिचुएशन में आपको आप खबरदार होना चाहिए कि किस तरह से पहला इम्प्रेशन जो है होता है वो कितना अहम होता है और किस तरह से आपने वो इम्प्रेशन सही देने होती हैं. और क्लॉथ्स एंड हाउ वी परसीव आवर सेल्स बेयर्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर कॉन्फिडेंस. हमारे कपड़े और किस तरह से हम यानी मतलब हमारे असरअंदाज होते हैं हमारे ऊपर, हमारी कॉन्फिडेंस जो होती हैं, ये सारे जो होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं. ये फर्स्ट दो तीन चीज़ें जो होती हैं यानी कॉन्फिडेंस, कपड़े और आप किस तरह आप मतलब उसके साथ टैकल करते हैं उन सिचुएशंस को. विदर यू आर हैंगिंग आउट विद ओल्ड फ्रेंड्स, क्या मतलब विदर यू आर हैंगिंग आउट विद ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्तों के साथ आप ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं. सॉरी, मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से आप मिलते हैं. और ट्राइंग टू लीव लास्टिंग इम्प्रेशंस ऑन कलीग्स, और आप ये कोशिश करते हैं कि अपने जो आपके साथी होते हैं उस पर ज़्यादा देर तक आप अपना असर छोड़ना चाहते हैं. द राइट आउटफिट कैन बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर. तो सबसे सही असासा जो है वो आप पर मतलब सबसे कॉन्फिडेंस जो इत्माद होता है वो बढ़ाने वाली चीज़ें, सबसे बड़ी जो वो बड़ी चीज़ जो होती हैं वो कॉन्फिडेंस है. ब्रिंग आइडियाज़, ऐसे ख्यालात लेके आओ. एसेंचुएटेड बाय अ प्रोफेशनल लुक कैन गो अ लॉन्ग वे, यानी इस तरह एसेंचुएटेड यानी इस तरह मशहूर या मुमताज़ बाय अ प्रोफेशनल लुक, कि तुम इसमें एक प्रोफेशनल लुक दो. यानी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको थ्री पीस सूट पहन के जाना चाहिए ताकि आप प्रोफेशनल लग सको. कैन गो लॉन्ग अवे, और ये बहुत हद तक जो है स्पेशली इन अ जॉब इंटरव्यू, ख़ास तौर पर एक जॉब इंटरव्यू के लिए आपको बिल्कुल सही तरीके से कपड़े पहन के जाना होता है. अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो थ्री पीस में जाएं, अगर आप थ्री पीस नहीं पहन सकते तो आप फिर नॉर्मल कपड़े में पहन के जाएं. नॉर्मल कपड़े में आप कपड़े पहने सफ़ेद और उसके ऊपर ब्लैक कोट या ब्लैक वेस्ट कोट पहने और साथ में ब्लैक शूज़ पहने या ब्लैक सैंडल पहने. तो यानी जिसको हम सप्लाई कहते हैं पश्तों में. इट्स नॉट अबाउट फैंसी क्लॉथ्स और पॉपुलर नेम ब्रांड्स. ये कीमती कपड़े या जो पॉपुलर ब्रांड होते हैं उसके पे डिपेंड नहीं करता. चाहे आप मतलब थर्ड क्लास के कपड़े ले लें, लेकिन आप सही इस्त्री करके साफ़ करके बिल्कुल इस नीट एंड क्लीन कपड़ों में जाएं दी आपकी उस पर तब बहुत असर पड़ता है. इट्स अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ. ये उसके हवाले से मतलब सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने हवाले से किस तरह फील करते हैं. कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, बहुत सूटेड बूटेड होते हैं, लेकिन उन उसका मतलब जो बंदे होते हैं उनकी अपने ऊपर मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं होते, मतलब वो फील नहीं करते, फील मतलब खुद के हवाले से अच्छा फील नहीं करते. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल उसकी बनिस्बत इस ख़ास कपड़े भी नहीं होते उनके, लेकिन वो अपने हवाले से बहुत अच्छा फील करते हैं. तो ये सब चीज़ जो है वो सब इस पर डिपेंड करते हैं कि आप अपने हवाले से किस तरह फील करते हैं. डोंट बी इंट्रेंच, इस रुझान में ना पड़ो. डोंट मेक फैशन ऑन यू, यानी इस तरह मतलब फैशन की तरफ मत झुको. बट यू डिसाइड, लेकिन तुम फैसला करो व्हाट यू आर, कि तुम क्या हो, व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, और तुम क्या मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हो. द वे यू ड्रेस, किस तरह के जिस तरह से तुम मतलब लिबास पहनते हो, इन द वे यू लिव, और जिस तरह तुम रहते हो. देर इज़ नो नीड फॉर एक्सपेंसिव क्लाथेस और फैंसी ब्रांड्स. मतलब बहुत एक्सपेंसिव क्लास और फैंसी ब्रांड्स के कपड़े या चीज़ें पहनने की कोई या शूज़ पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है. लुक्स एंड अपेयरेंस, जो आपकी ज़ाहरी चाल डाल होती है, aren't everything, ये सारी चीज़ें नहीं होती. बट सेल्फ एक्सप्रेशन यानी खुद इतमादी थ्रू आउट फैशन विल सर्टनली एड सम फन. लेकिन जो फैशन होता है यानी कपड़े होते हैं, थोड़ी सी चीज़ उसमें वो ऐड कर देता है स्पार्कल टू योर लाइफ, और आपकी जो ज़िंदगी होती है उस पर थोड़ा सा चढ़कती हैं. क्या चढ़कती हैं, यानी शोखी चढ़कती हैं. और प्रॉबेबली शायद द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़, सबसे अहम और आप वाहिद जो नसीहत है वो ये है, ड्रेस इन अवे, ऐसे कपड़े पहने दे सेज, जो कि कहता है यू मीन बिजनेस, यानी कारोबार का, जिससे आपका कारोबार का पता चले कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, आपके वालिद क्या करते हैं, इस तरह आपकी फैमिली बैकग्राउंड उससे ज़ाहिर हो. ड्रेस स्मार्टली, खूबसूरत तरीके से कपड़े पहने फॉर द इंटरव्यू के लिए, एंड अवॉइड
वुड ड्रेसिंग और ज़्यादा जीनत और सिंगार से बिल्कुल आप अवॉइड करें। दैट सीम्स अ क्लम्सी, जो कि फिर अनाड़ी लगता है बंदा, डिसरिस्पेक्टफुल बेअदब लगता है, चीप एंड अनटाइडी, और फिर बंदा गंदा लगता है। योर अपेरेंस नॉट ओनली इन्फ्लुएंसेस योर इंटरव्यूअर्स, या आपकी अपेरेंस है वो सबसे पहले आपकी जो इंटरव्यूअर होते हैं उस पर सिर्फ असरानंदाज नहीं उसको असरानंदाज नहीं करता, परसेप्शंस ऑफ यू यानी जो आपके ख्यालात होते हैं, बट इट्स ऑल्सो इफेक्ट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, लेकिन ये उस पर भी असरानंदाज होता है, यानी खुद पर कि तुम किस तरह से खुद के लिए आप क्या फील कर रहे हो। आइडियली मिसाली तौर पर यू हैव टॉक्ड टू अ करंट एम्प्लॉय, तुमने अभी अभी एक एम्प्लॉय से बात की है, आर लुक्ड अराउंड द कैंपस या कैंपस में इधर उधर देख रहे हो, एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कैजुअल और फॉर्मल द कंपनी इज़, तो तुम इस तरह जान जाते हो कि इस तरह जो कंपनी है वो किस तरह से बेकायदा है या बाकायदा है। देन ड्रेस स्लाइटली अबव दैट, फिर आप जो आप जान जाते हो कि कंपनी में किस तरह से या ऑफिस में किस तरह से बंदी कपड़े पहन के आते हैं, तो आप फिर इस तरह करें उससे स्लाइटली यानी थोड़ा सा बेहतर कपड़े पहन के आप आए टू शो रिस्पेक्ट, ताकि आप मतलब इज्जत देते हैं उन लोगों को। जॉब इंटरव्यूज़ आर नेवर रैकिंग नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, जॉब की इंटरव्यू जो होती हैं ये हिसाब पर भी दबाव लाती हैं, नो मैटर कोई मसला नहीं होता हाउ स्मार्ट यू आर, कि तुम कितना भी चाहे चालाक हो फिर भी ये तुम्हारे ऊपर नर्व्स के ऊपर थोड़ी सी दबाव लेके आता है, बिकॉज यू आर एसेंशियली सबमिटिंग यूर सेल्फ टू बी जज, क्योंकि तुम खुद को दे रहे हो, किस तरह किसको दे रहे हो, यानी तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होती हैं उसकी जजमेंट की जा रही होती हैं कि आप किस पर्सनैलिटी की शख्सियत है। इन हाफ आवर आधे घंटे में बाय स्ट्रेंजर्स, एक मुसाफिर यानी जो बंदा आपको नहीं जानता, हु हैव द पावर टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल फ्यूचर, जिसके पास ये इख्तियारात होती हैं जो आपकी माशी जो फाइनेंशियली जो आपकी माशी सर मुस्तकबिल जो है उस सारे उसका अख्तियार उसके हाथ में होता है, अगर आपको वो जॉब दिलाता है तो आपकी जो फ्यूचर है वो फिर आप फ्यूचर में कमा सकते हैं, अगर वो आपको जॉब नहीं देते तो आप फ्यूचर में उस जगह से आप नहीं कमा सकते, तो ये सारी चीज़ें उस इंटरव्यूअर के हाथ में होती है। हाउ वुडंट बी एंशियस, बिल्कुल आप बेचैन ना रहें, द इंटरव्यूअर्स हैव ऑलरेडी रिव्यूड योर रिज्यूमे, इंटरव्यूअर जो होता है वो पहले ही आपकी जो रिज्यूमे होती हैं उसको उन्होंने देखा होता है, एंड नाउ और जानता है मैनी थिंग्स अबाउट योर एकेडेमिक अचीवमेंट, जो आपकी एकेडेमिक काबिलियत है बहुत सारी चीज़ें वो आपके हवाले से जानता है, इन वर्क एक्सपीरियंस जो आपके काम का जो तजुर्बा होता है उसके हवाले से वो जानता है। इफ़ एनी सो द प्राइमरी पर्पज ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू फिल इन द गैप्स इन एसेस इफ़ यू आर, तो सबसे प्राइमरी यानी पर्पस जो मकसद होता है इंटरव्यू का वो ये होता है कि आपने उस गैप को फिल करनी होती है, इफ़ यू आर अ गुड फिट और अदरवाइज, कि क्या तुम उसके लिए मौजू हो या नहीं, सीरियसली इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू आर स्मार्ट, अगर तुम ये साबित नहीं कर सकते कि तुम स्मार्ट नहीं हो, हाई फंक्शनिंग पर्सन या काबिल और मेहनत कुश नहीं हो, यू विल पास अ मेजर टेस्ट, तो तुमको कुछ मेजर टेस्ट पास करने होंगे, फिर स्टडी शो दैट अबाउट 30% ऑफ हायरिंग डिसीजंस आर मेड विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, स्टडी इस हवाले से कहती हैं कि 30% जो हायरिंग प्रोसेस होती हैं यानी भर्ती होने का जो अमल होता है वो उस वक्त फैसला करती है फर्स्ट 5 मिनट में, इन द 5% आर मेड इन द फर्स्ट 60 सेकंड्स, और पहले जो फर्स्ट 5% होती हैं वो पहले 60 सेकंड्स में यानी 1 मिनट के अंदर अंदर वो फैसला करते हैं, सो यू हैव टू लुक इनटू द पार्ट, तो आपने उस हिस्से को देखना चाहिए, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन, अपना जो पहला आपका इंप्रेशन होता है उसको आपने गौर से देखना होता है, एज वेल एज योर ओन नर्व इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू, और बिल्कुल अपने जो आपकी नर्व्स होती हैं उसको भी देखना होता है बिल्कुल इंटरव्यू के स्टार्ट में। इट्स गुड आइडिया टू केयरफुली प्लान योर ओपनिंग, ये बहुत अच्छी ख्याल है कि आपने पहले से मंसूबा करना होता है, इफ़ यू कैन एस द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप सही सवाल के जवाब देते हैं यानी फर्स्ट क्वेश्चन के, इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, तो ये आपकी खुद अतमाद को बढ़ा देता है फॉर द रेस्ट ऑफ इंटरव्यू, बाकी जो इंटरव्यू होती हैं उसके लिए। वन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कामयाबी यानी पहले जो
अहम जो कामयाबी की कुंजी होती हैं वो क्या है, यानी की होती हैं, वो कॉन्फिडेंस होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद इतमादी। एन इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन, और खुद इतमादी की सबसे अहम जो की होती है, वो चाबी है, वो आपकी तैयारी है। यूज़ अ फर्म हैंड शेक, आप मजबूत हाथ मिलाएं उसके साथ, स्माइल पास करें, मेक कॉन्टेक्ट आई कॉन्टेक्ट रखें उनके साथ, एंड सिट टाल, ऊपर इस तरह टाल बैठे, एंड लीन और मत झुकें, इन टू अ शो यू आर इंगेज, और आप इस तरह बैठे कि आप उसके तरफ कम्प्लीटली मुतवज्जे हो। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, उस लम्हे में रहें, एंड रियली लिसन रादर देन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से, और इसके हवाले से सोचें कि आप क्या कहना चाहते हैं या फ्यूचर में क्या कहेंगे। मोर एवर ताहम focus on what the hiring manager is saying now and react accordingly, aap us pe khayal focus kare ki kis tarah se wo jo hiring manager hai wo kya keh raha hai aur uske mutabik aap phir amal kare. It should be a fluid back and forth conversation, aur ye ek hairan kun aur matlab forth and back is tarah do tarafa honi chahiye conversation honi chahiye, and bring a lot of energy, ये आप में बहुत सारी ताकत देता है। इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट द पोजीशंस, द इंटरव्यूअर्स विल गेट एक्साइटेड अबाउट यू, अगर तुम एक्साइटेड हो जाते हो अपने उस जॉब के हवाले से, तो जो इंटरव्यू होता है वो आपके हवाले से फिर एक्साइटेड हो जाता है। मोस्ट इंटरव्यूज दे स्टार्ट्स द सेम वे, बहुत सारे इंटरव्यू जो होते हैं वो इसी तरीके से शुरू हो जाती हैं। सम स्मॉल टॉक, कुछ इधर उधर की बातें, एंड बैंटर और मजाक, फॉलोड बाय सम वर्जन्स ऑफ, और इस तरह किस्म के सवाल और जवाब, टिल मी अबाउट योर सेल्फ, इस तरह की किस्म के सवाल हमेशा इंटरव्यूअर्स लेता है, टिल मी अबाउट समथिंग, अपने हवाले से मुझे कुछ बताओ। सो दिस ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ ग्रेट वे फॉर यू, तो इस तरह से ये जो ओपन एंडेड सवाल होता है आपके लिए एक बड़ा सा रास्ता बना देता है, टू टेक कंट्रोल ऑफ योर स्टोरी, कि अपनी जो आपकी स्टोरी है उसकी कंट्रोल ले लें, एंड स्टार्ट बिल्डिंग द केस फॉर वाई यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब, और इस तरह से आप अपने लिए एक खुद इतमादी को बढ़ाएं और शुरू हो जाएं कि आप इस जॉब के लिए क्यों मौजूद हैं। यू नीड अ प्लान टू टैकल द एलिफेंट इन टू द रूम, तो तुम्हें एक प्लान की मनसूबे की ज़रूरत होती है कि किस तरह से आपने सूरत हाल को काबू करना है, यानी किस तरह से, इधर इसकी जो मीनिंग है इसका मतलब है कि किस तरह से आपने हाथी को कमरे में बंद करना है, यानी मुश्किल को किस तरह से काबू करना है, और एल्स इट विल ईट एट योर कॉन्फिडेंस, अदरवाइज ये तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है होते दिमाती है वो खा जाएगी। बिफोर ड्यूरिंग द एंड आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले और बाद में भी, नो यूर परसीव्ड वीकनेस, अपनी जो आपकी कमजोरियां हैं उसको जानो। द थिंग दैट मे रेज एन इंटरव्यू आईब्रो, वो चीज़ जो इंटरव्यूअर्स की बुए को यानी आईब्रोज को ऊपर कर देती हैं, एंड प्रिपेयर टू एड्रेस आउट एंड हेयर, और इस तरह से तैयारी करो। एट द फोर फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर्स माइंड वाइल कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यूज, इंटरव्यूअर्स की जो जहन में होता है जब वाइल कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यू, जबकि वो जॉब इंटरव्यू लेता है, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू मेजर द कैंडिडेट्स एग्जीक्यूट द पोजीशन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। जॉब स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से तरतीब दी जाती हैं उन सवालों को, टू मेजर द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज़, ताकि उस कैंडिडेट की सलाहियत को जान सके कि किस तरह से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा ऑफ द जॉब अगेंस्ट द स्किल्स, और उसके जो उसके लिए स्किल्स यानी महारतें उनको चाहिए टू एग्जीक्यूट द पोजिशन स्मूथली, ताकि उस मतलब उस पोजीशन को यानी जॉब को उसकी फ़राइज़ को सर अंजाम दे बेहतर तरीके से और मौसर तरीके से। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, इस किस्म के इंटरव्यू क्वेश्चन जो सवालात होते हैं और स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर जॉब्स, तो ये उस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। वेयर टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर टेक्निकल इलम की ज़रूरत होती है, और वेयर द कंपनी नीड्स टू एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हु कैन डू द जॉब फ्राम द वेरी फर्स्ट डे, और जहाँ पर कंपनी को ज़रूरत होती है कि इस तरह के कैंडिडेट्स लें जहाँ जो कैंडिडेट बिल्कुल फर्स्ट दिन से काम शुरू करे। जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू डिटरमिन इफ़ यू हैव नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू परफॉर्म द जॉब फॉर विच यू आर बीइंग कंसिडर्ड,
जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यू के सवालात इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि आपके इलम को और आपकी सलाहियत को जान सके कि क्या उसकी जो ज़रूरत होती हैं टू परफॉर्म द जॉब, ताकि उस जॉब के लिए वो ज़रूर जिस जो ज़रूरी होती हैं जो एक्सपीरियंस फॉर विच यू आर बीइंग कंसिडर्ड, जिसके लिए आपको लिया जा रहा है क्या आपके पास है या नहीं। विन यू रिस्पॉन्ड, जब आप जवाब देते हो टू सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस किस्म के सवालों के, योर गोल शुड बी टू शो, तो आपकी जो गोल होती हैं वो ये होती हैं कि आप वो दिखाएं, दैट यू आर द बेस्ट, कि तुम सबसे अच्छे हो, फिट फॉर द जॉब, आप जॉब के लिए बिल्कुल मौजू हो, आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स एंड अप्लाइड इंटरव्यूअर, तो जो आप जो जितने भी इंटरव्यूअर्स इस जॉब के लिए आए हैं उसमें आप सबसे अहम हैं, यानी सबसे अच्छे हैं। इन द एडिशंस द हार्ड एंड फास्ट स्किल्स, यानी मतलूबा महारतों के साथ साथ एम्प्लॉयर विल आल्सो एक्सप्लोर वेदर यू हैव द राइट माइंडसेट फॉर द जॉब एंड कैन हेल्प अचीव द कंपनीज गोल्स। जो एम्प्लॉयर होता है वो ये भी जान जाता है कि क्या आपकी जो महसूस ज़हनियत की जो सलाहियतें हैं जो कि इस जॉब की हासिल करने में जो इस कंपनी के जो मतलब गोल है उसको हासिल करने में मदद देगी। इट्स ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड इफ़ेक्टिवली, ये हमेशा अहम होता है कि आप मौसर तरीके से तैयार होकर जवाब दो टू द क्वेश्चन, उन सवालों की दैट एम्प्लॉयर्स टिपिकली आज जो कि जॉब देने वाला लेता है। तो सिंस दीज क्वेश्चंस आर सो कॉमन, ऐसे सवालात जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो इंटरव्यूअर्स विल एक्सपेक्ट, इंटरव्यूअर आपसे ये तवक्को रखता है यू टू बी एबल टू आंसर देम, क्या उनके सवालों के जवाब दे स्मूथली, बिल्कुल बगैर रुकावट के, एंड विदाउट हेजिटेशन और बगैर हिचकिचाहट के। यू डोंट नीड टू मेमोराइज योर आंसर, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने सवालों को आप बिल्कुल मेमोराइज करो, याद करो, बट यू शुड थिंक, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए अबाउट वट यू आर गोइंग टू से, कि तुम क्या कहने जा रहे हो, दैट यू आर नॉट that you are not put on the post, कि तुम इसे मुश्किल में ना पड़ो, your responses will be stronger, तुम्हारे जो सवाल जवाब होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। इफ़ यू प्रिपेयर इन एडवांस, अगर तुम पहले से तैयारी करते हो, नो जानो वट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू, की इंटरव्यू के दौरान क्या आपसे तवक्को की जाती है, एंड हैव अ सेंस ऑफ वट यू वॉन्ट टू बी फोकस ऑन, और आपको इस किस्म का सेंस होना चाहिए कि आप किस तरफ से किस तरफ के ऊपर आपने फोकस करनी होती है। रिहर्सिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, रिहर्सिंग यानी बार बार ख़ुद के साथ दोहराना जो है ये जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे अहम चीज़ होती है, कि आप बार बार अपने साथ दोहराएं और तैयारी करें। अमोक इंटरव्यू यानी एक पहले से जो इंटरव्यू ली जाती हैं, आल्सो नोन एज अ प्रैक्टिस इंटरव्यू, जिसको प्रैक्टिस इंटरव्यू भी कहा जाता है, इज़ अ सिमुलेशन ऑफ एन एक्चुअल जॉब इंटरव्यू, ये बिल्कुल एक्चुअल जॉब इंटरव्यू होती हैं उसकी बिल्कुल नकल होती हैं। इट प्रोवाइड्स जॉब सीकर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू एंड रिसीव्स फीडबैक ऑन देयर इंटरव्यूइंग स्किल्स, और इट प्रोवाइड्स जॉब सीकर, जो जॉब सीकर्स होते हैं ये इनको इसे मतलब मौके फराहम कर देते हैं टू प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू, की उस इंटरव्यू के लिए तैयारी करें, एंड रिसीव फीडबैक, और अपने जो इंटरव्यू होती हैं उसके बारे में कुछ फीडबैक हासिल करें कि क्या उसमें कमी है और क्या ज़्यादती हैं और क्या क्या स्किल उसको चाहिए। टिपिकली मॉक इंटरव्यू इज़ अ प्रैक्टिस जॉब इंटरव्यू, अमूमन तौर पर जो जॉब इंटरव्यू होती हैं ये प्रैक्टिस इंटरव्यू होती है, हेल्ड विद अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर, जो कि एक पेशावराना जो काउंसलर होते हैं वो ले लेते हैं, फ्रेंड्स या अपने दोस्त लेते हैं, और फैमिली मेम्बर्स या जो खानदान के मेम्बर्स होते हैं वो लेते हैं। अमोक इंटरव्यू हेल्प्स यू, मॉक इंटरव्यू जो है आपकी मदद देता है टू लर्न हाउ टू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस, कि किस तरह से मुख्तलिफ सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। डेवलप इंटरव्यू स्ट्रेटजीज, किस तरह से आपने जो इंटरव्यू की हिकमत अमली है वो किस तरह से आपने खुद को खुद के अंदर बढ़ाना है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, खुद की जो बोल चाल है किस तरह उसको इम्प्रूव करना होता है। एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस, किस तरह से खुद की जो आपकी स्ट्रेस होती है किस तरह से उसको कम करना होता है। बिफोर एन एक्चुअल जॉब इंटरव्यू, एक जॉब इंटरव्यू से पहले, इफ़ यू एक्ट ऑन दीज प्रैग्मेटिक्स सजेशंस, अगर आप इस अमृत तजावीज पर अमल करते हैं एंड स्ट्रेटजीज, इन यू कैन बी हाई फाइलर, तो तुम बुलंद परवास पर तुम यानी तुम उसको बुलंद परवान पर तुम्हें चढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।